अस्सलाम वालेकुम। मैं तो जा रही हूँ इतवार बाज़ार। मैंने सुना बड़ा ज़बरदस्त इतवार बाज़ार लगा है। मैं वैसे कभी जाती थी, बहुत कम, लेकिन जाती थी फेज़ 8 वाले में, और मेरी अम्मी को बड़ा शौक़ था। अस्मा, सुम्बुल, ये लोग बड़े बाकायदगी से, जब लाहौर से आते थे ज़्यादा तो दो इतवार लेकर आते थे, सैटरडे को आते थे और अगले मंडे को जाते थे, ताकि हमें दो इतवार मिले। और अम्मी का क्या था, व्हील चेयर पर चली जाती थी ड्राइवर के साथ, और जाके कहती थी फ्रूट लेना है, फिर चली जाती थी उधर जहाँ नाइट सूट मिलते हैं, तो मैं उनको चिज्जी के लिए पैसे दे देती थी। बड़ी खुश आती थी, देखो कितने अच्छे नाइट सूट के पजामे हैं, देखो ये कितनी अच्छी सॉक्स मिली है, फलाना है। तो ये उनकी एक पिकनिक होती थी। लेकिन मैं ऐसे थोड़ी जाऊँगी, मैं तो नहीं जा सकती ऐसे, अब मैं तो पहनूंगी अबाया, उसके पर लूँगी नकाब भी, मैं भी तो मज़े से कहीं चलाऊँगी। मांगू कभी कभी मैं जाती थी, पता है बहुत मुझे मज़ा आता था। शुरू शुरू की बात है, मैं सब्ज़ी मंडी जाती थी, वो जो उधर है ना हसन स्क्वायर के पास थी, जब बुरका पहन के जाती थी और कोशिश करती थी कि ज़्यादा बात ना करूं, ताकि मेरी आवाज़ से कोई पहचाने नहीं। और मैंने वहाँ जाके पता नहीं क्या सब्ज़ी ली है, वो आहिस्ता आहिस्ता बोल रही थी, मैंने कहा ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो, आहिस्ता आहिस्ता खुसर फुसर कर रही थी, तो कह रहा दे रहा हूँ दे रहा हूँ, बुशरा बाजी फिक्र ना करें, मेरे को लो मेरा बेड़ा तर जाए। मैंने तो यहाँ तक ढका हुआ था, ऐनक भी लगाई हुई थी, उसने पता नहीं कैसे समझ गया और वो तो जनाब पहचान गया। खैर अभी मैं करीब जाके ना अबाया पहनूंगी, फिर देखते हैं वहाँ क्या होता है। मैंने सुना तो है भाई बहुत गंदा हुआ, तो नेक्स्ट टाइम भी जाऊँगी, सॉरी, लेकिन एक दफ़ा तो जाके देखो वहाँ क्या क्या मिल रहा है। अस्मा को बड़ा मज़ा आता है, वो तो कह रही होती है बाजी वहाँ ये मिल रहा था, वहाँ वो मिल रहा था, पता नहीं क्या इंपोर्टेड चीज़ें। मुझे वैसे अल्लाह का शुक्र है कोई इतनी ज़रूरत नहीं है, लेकिन चलो कोई फ्रूट श्रूट ले लेंगे, कुछ तो देखें है क्या, इतवार मिला है तो आज ज़रा इन्जॉय करते। फिर अभी आपको दिखाती हूँ अबाया पहन, आपने किसी को बताना नहीं है कि मैं आज इतवार बाज़ार आई हूँ। हाँ जी, ये मैंने हज में पहना था और मेरे पास दो अबाया और हैं, तो ये मैंने कहा चलो आज ये पहनते हैं, तो पहन के ज़रा जाते हैं, देखते हैं कि क्या एक्साइटमेंट होती है ना। कभी कभी ऐसे बाज़ारों में जाने का मज़ा आता है, लेकिन फिर क्या करें, लोग प्यार से तस्वीरें खिंचाने लग जाते हैं, फिर इतना वो मुश्किल हो जाता है कि आपको अगर एक घंटे का आधे घंटे का कोई काम है तो उसको दो घंटे लग जाते हैं। शुक्र है मैंने गर्म कपड़े नहीं पहने थे, भाई हमारे घर में तो सर्दी थी, बाहर आके तो इतनी सर्दी नहीं है, हमारा तो सारा वो ख़त्म हो गया। अच्छा अभी मैं ये करती हूँ, और मैंने मास्क भी रखा हुआ था, इधर कहाँ गया, हाँ मास्क भी है, हमने मास्क भी लगाया हुआ है, लगा रहे हैं। बस अब आप लोग मेरे साथ इस राज में शामिल हैं, और यूँ करके मैंने जाना है और यूँ करके मैंने आना है, फिर देखते हैं कि क्या होता है। जहर तो नहीं लग रही, सच्ची बात है, किसी किसी को सूट करता है, मुझे नहीं सूट करता। आसमा बड़ी प्यारी लगती है, हाँ उसको बड़ा सूट, जिसका मुँह गोल मटोल हो ना उसको सूट करता है, मैं तो किसी काम की नहीं लगती इस तरह, मगर कोई बात नहीं, मज़ा तो लेने का हमारे पास। चले अभी हम इतवार बाज़ार में मिलते हैं, फिर देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है, ठीक है, थोड़ी देर में मिलते हैं। मजदूर चाहिए, एक सही
भी उठा लेता था, अब मैचिंग कलर स्कीम ये सब चीज़ें भी, लेकिन अभी भी जाहिर है अगर कोई अपने घर की हमने नहीं अगर कर रहा है लुक बना रहा है ठीक है नहीं कर अभी कितने, लेकिन वैसे रेडीमेड कपड़े ना हाइजीनिक भी यही चीज़ होती है, पुराने अस्पतालों में आए सौ के लगाए तो मुझे चार मिले। अच्छा दो और दी 150 एक डिफरेंट कलर तीन सौ के हो गए जी। हाँ हाँ बर्तनों की दुकान में बड़ा मजा आता है और वो हमें छलनी लेनी है। नहीं है सनी भाई यस आप स्टील है नो मिलता है चेक में देखा है नो मिलता है 250 का है 200 में 200 दिए लाइक लाइक 200 रुपए से देखो ये 450 रुपए के 400 रुपए भाजी कंपनी वाला माल है लोकल नहीं इसके पीछे आप देख सकते हैं कंपनी का अपना नाम है एक है ना चार सौ इसके हो गए ये दो 420 का हो गया 426 का हो गया बड़ा 800 और ये 311 हजार में कर बस खत्म हजार में ये वाला सब चीज का काम किया है फालतू चीज कोई भी नहीं है ना भाई ये भी डर लगता है यहाँ पे और ये 5000 का चीज है क्योंकि वो जो मैंने बड़ी महंगी दुकान से लिया था ना फ्राई वाला वो मर गया था तो अब ये सुन रहे ये तो नहीं होना चाहिए है ना हमारे पास हम तो ये 550 रुपए का 500 रुपए ये फ्रूट की छुरी कितनी प्यारी है 600 का 350 रुपए ये कितने की है सुनो ये छुरी कितने की है छुरी ये 450 रुपए का 400 लगा दे ये कितने के रहे 400 में दे रहे बात सुने 400 में दे रहे ये मिल गया कटिंग बोर्ड लकड़ी का अच्छा बोलो आखिरी भाई भाई लाला ये बताओ आखिरी क्या आखिरी आखिरी 800 बिल्कुल फाइनल अच्छा चलो ठीक है दे दो चलो मुंह में नहीं लगा रहा खाली अंदर को आने मैं बूटी की बताना चाह रही शाम मत ना आ अच्छा लो फिर एक थैली भी दे दो चली नहीं है शॉपर मिल जाएगा तो जो भी चलिए शॉपर क्या हमें ये तो नहीं चाहिए छानने वाला वो पैसे वो तो इतना बिजी है इसका बिजनेस ही चल रहा है 1000 रुपए 800 रुपए मतलब
दो घंटे में वापस करेगा। चलो ये हमें प्लास्टिक की चम्मच तो नहीं चाहिए, ये वाले। चलो बस ठीक है, आपके पास सही कपड़ा खत्म पूरा आप नाप के दिखाएगा एक आदमी के साइज का। चार मीटर तुमको सूट जाएंगे ना, आपके पास रंग नहीं होता तो ये वाला ग्रीन क्या है, ये कपड़ा ये गुले मत है, बाबा कराची का सीजन जा रहा है, गेंद तुम कोट नहीं है, मैंने वहाँ किसी को भेज रहा है जो बिरिया ले लो, सही है ना, मैं क्यों बताऊँ किसके लिए, नहीं बताऊँगी, अच्छा चले फिर बाद में। हाँ जी, इतवार बाजार से एक्साइटमेंट देखिए ज़रा, किसी को पता भी नहीं चला, और मज़े मज़े की चीज़ें भी ले ली, लेकिन जो ज़रूरी थी सच्ची। मैं पैसे स्पेंड करने में बहुत बिलीव रखती हूँ, लेकिन वेस्ट करने में नहीं। हाँ, मगर गर्मी समय गई भी बड़ी खुश हो रही थी, सर्दियाँ आ गई कराची में, नहीं इतवार बाज़ार में तो गर्मी थी नहीं। तो बस अब घर जाके और किसी को पता भी नहीं चला, आराम दे आराम से शॉपिंग करें, किसी ने हमें सताया भी नहीं। चलें आप देखिएगा फिर जब मैं इसको लगाऊँगी और इस एक्साइटमेंट को आपके साथ शेयर करूँगी।